वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेडा 91 में। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। नर्सेज मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग फाइव राइट्स व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन एक्सेप्ट। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। देखिए, दवाओं को देते समय नर्सों को निम्नलिखित पांच अधिकारों पर विचार करना है केवल एक को छोड़कर। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें। देखिए, MPCHO 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए तो आपका राइट है, राइट पेशेंट सही रोगी। ऑप्शन सी भी आपका राइट है, राइट टाइम और राइट डोज सही खुराक। बट यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको छोड़कर बाकी सभी राइट है। यहाँ पे कहा गया कि पांच अधिकारों पर विचार करना चाहिए नर्स को। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। दवाओं को देते समय नर्स को निम्न पांच अधिकारों पर विचार करना चाहिए। अब वो पांच अधिकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, यहाँ पे सही रोगी होगा, सही दवा, सही समय, सही खुराक और सही पथ, अर्थात राइट रूट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है आपकी स्क्रीन पर। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बताएं क्या है इसका राइट आंसर। गेस करें। द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नर्सिंग प्रैक्टिस को नियंत्रित किया जाता है? देखिए, एम्स भुवनेश्वर स्टाफ नर्स 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें, ठीक है, जल्दबाजी ना करें। पहले क्वेश्चन को समझ लें उसके बाद ही आंसर दें। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट होगा, स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट, स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट। अब यहाँ पर आप एक्सप्लेन देख लें कि नर्सिंग के प्रैक्टिस को नर्स प्रैक्टिस अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नर्सिंग के प्रैक्टिस को नर्स प्रैक्टिस अधिनियम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अर्थात कंट्रोल किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। इन विच ईयर ESI एक्ट वाज पास्ड। इन विच ईयर ESIC एक्ट वाज पास्ड। ESI एक्ट किस सन में पारित हुआ था? ESI जो एक्ट है वो किस सन में पारित हुआ था? तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताएं जल्दी से। देखिए, ESI का जो पूरा नाम है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम होता है, ठीक है। एम्प्लॉयज जो आपके एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ये 1948 में पास हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। देखिए, यहाँ पे AILMS पटना एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि जो ESI है इसका जो पूरा नाम है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। देखिए, एक्ट जो बना था ये सन 1948 में पारित हुआ था और ESI एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना है। जो ESI है ये एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए होती है, या संगठित क्षेत्र में जैसे कि बीमारी हो गया, प्रसूति हो गया और मृत्यु या विकलांगता के कारण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चार नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से गेस करें। चाइल्ड लेबर एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें। चाइल्ड लेबर एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। जो बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन कह रहा है कि बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यहाँ पे देखिए, DSSB स्टॉप नर्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें। तो देखिए, ये 1986 में पास हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट होगा। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। जो बाल श्रम अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, अधिक जनसंख्या और गरीबी दो सामाजिक संरचनाएं हैं जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने और अपनी ज़िंदगी कमाने के लिए मजबूर करती है। अपनी ज़िंदगी कमाने के लिए मजबूर करती है। भारत में बाल श्रम अधिनियम 1986 में 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में
एक बच्चे को परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये बाल श्रम अधिनियम जो है ये 1986 में बना था, ये 1986 में पारित किया गया था, जो अधिक जनसंख्या और गरीबी को दो सामाजिक संरचनाएं हैं। इसमें जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं अगर वो कहीं पे काम करते हैं तो ठीक है, तो वो क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा है तो वो क्या है, अगर कहीं भी काम करता है तो वो क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं और अपनी ज़िंदगी में कमाने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, सबसे पहले तो उनको एजुकेशन लेने की आवश्यकता होती है, बट जब उन्हें एजुकेशन की आवश्यकता होती है जिस उम्र में, उस उम्र में वो लोग काम करने लगते हैं, तो ये क्या होता है कि मजबूरी के तहत ये लोग करते हैं। ठीक है, ज़िंदगी उन्हें मजबूर करती है कमाने के लिए। ठीक है, इसमें देखिए लिखा भी गया, अपनी ज़िंदगी कमाने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, तो इसी वजह से ये अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, कि 14 साल से अगर कम उम्र का बच्चा है तो आप उसे मजदूरी पर नहीं लगा सकते या उससे मजदूरी नहीं करा सकते हैं। ठीक है, बाल श्रम के अधिनियम 1986 के अंतर्गत ये अपराध माना गया है। भारत में बाल श्रम अधिनियम 1986 में 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में एक बच्चे को परिभाषित किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ें पहले, उसके बाद आंसर दें। अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड गेटिंग द वर्क डन इज नोन एज, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड गेटिंग द वर्क डन इज नोन एज, परिभाषित या निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति तथा कार्य संपादन को क्या कहा जाता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए आरपीएससी नर्सिंग ट्यूटर एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड गेटिंग द वर्क डन इज नोन एज, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाएगा इसे। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि अस्पताल या किसी संस्था के विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों, अस्पताल या किसी संस्था के विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों, कार्यों को प्राप्त करना तथा उन्हें पूरा करने का जो कार्य शासन प्रबंधन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। अस्पताल या फिर किसी संस्था के विभिन्न प्रकार के जो लक्ष्य होते हैं या उनके कार्यों को प्राप्त करना या फिर उन्हें पूरा करने का जो मतलब पूरा लक्ष्य होता है या ये कार्य जो होता है पूरा करने का जो कार्य होता है वो शासन प्रबंध, ठीक है, शासन प्रबंध का होता है अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन का होता है काम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। क्वेश्चन को पहले पढ़ें उसके बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। इन विच ईयर वाज द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड अडॉप्टेड बाई द यूनाइटेड नेशंस, इन विच ईयर वाज द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड अडॉप्टेड बाई द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गोद लिए गए बच्चे के अधिकार की घोषणा किस वर्ष की गई थी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गोद लिए गए बच्चे के अधिकार की जो घोषणा है वो किस वर्ष की गई थी। देखिए DSSB स्टॉपनर्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, 1959 में, 1959 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, 1959 में गोद लिए गए बच्चे की अधिकार की घोषणा की गई थी 1959 में, 1959 को। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें, अधिनियम 1959 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा बाल अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा 1959 में की गई, जिसमें उन्होंने 10 सिद्धांतों की सहमति दी, इसमें बाल संयुक्त राष्ट्र एवं राज्य की बाल अधिकारों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं और माता पिता व स्थानीय सिद्धांतों की मंजूरी दी गई। इस अधिनियम के अनुसार शिशुओं को गोद लेने संबंधी अधिकार भी सुझाए गए हैं। ठीक है, इसे एक बार फिर से पढ़ लें कि अधिनियम 1959 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा बाल अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा 1959 में की गई, जिसमें से उन्होंने 10 सिद्धांतों की सहमति दी। अब अगला पॉइंट है कि इसमें बाल संयुक्त राष्ट्र
एवं राज्य की बाल अधिकारों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं और माता पिता व स्थानीय सिद्धांतों की मंजूरी दी गई और इस अधिनियम के अनुसार जो शिशु होते हैं उनको गोद लेने संबंधी भी अधिकार भी दिए गए सुझाए गए। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें उसके बाद ही आंसर दें। लीडर अज्यूमिंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिसीजंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड समूह के सभी फैसलों पर गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने नेतृत्व को क्या कहा जाता है। लीडर अज्यूमिंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिसीजन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड समूह के सभी फैसलों और गतिविधियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने और नियंत्रण रखने वाले नेतृत्व को क्या कहा जाता है। देखिए ये एम्स भुवनेश्वर स्टॉप नर्स 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो देखिए इसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहा जाएगा, निरंकुश नेतृत्व, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि समूह के सभी फैसलों और गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले नेतृत्व को निरंकुश नेतृत्व कहा जाता है। समूह के सभी फैसलों और गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रित या पूर्ण नियंत्रण रखने वाले जो नेतृत्व होते हैं उनको निरंकुश नेतृत्व कहा जाता है। यह शैली तब प्रदर्शित होती है जब नेता नीतियों और प्रक्रियाओं को स्वतः निर्देशित करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को पढ़ लें उसके बाद ही आंसर दें। शायद ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, जस्ट अभी आपने पढ़ा है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है तो इसे फिर से पढ़ लें, ठीक है। अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड गेटिंग द वर्क डन इज नोन एज, गेस करें यहाँ पे क्या होगा। परिभाषित या निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति तथा कार्य संपादन को क्या कहा जाता है। देखिए आरपीएससी नर्सिंग एग्जाम ट्यूटर एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अभी जस्ट अभी आपने पढ़ा है कि इसे एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाएगा, प्रशासन कहा जाएगा। चलिए हम इसका एक्सप्लेन अभी आप पढ़ ही चुके हैं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूटेड इन, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। मानसिक रोगियों के लिए, जो मानसिक रोगी होते हैं उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप कई बार पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूटेड इन, मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखिए JHMCH जवाहर स्टाफ नर्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, सर हमने शायद लिखने में भूल गए होंगे, ठीक है मिस्टेक हो गई होगी, हालांकि 2019 में ही पूछे गए हैं ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन हैं। देखिए सभी को पता है कि ये हैदराबाद में है, ठीक है, जो आपका ये मानसिक रोगियों के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान है वो हैदराबाद में स्थित है। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। मानसिक अर्थात मंद बुद्धि, मानसिक जो रोगी होते हैं अर्थात मंद बुद्धि के जो रोगी होते हैं या रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान की जो स्थापना है वो 1984 में आंध्र प्रदेश वर्तमान में तेलंगाना राज्य के सिकंदराबाद अर्थात हैदराबाद में की गई है। इसके तीन मुख्य शाखाएं हैं इसकी वो नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में स्थित हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ ली जाती है कि मानसिक जो रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान है उनमें से जो उसकी शाखाएँ हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है, जो उसकी मेन शाखाएँ हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में स्थित हैं, ठीक है। मानसिक रोगियों के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान है उसकी जो मुख्य शाखाएं हैं, ठीक है, जो मेन संस्थान है वो तो आपका हैदराबाद में है, बाकी जो इसकी शाखाएं हैं, ठीक है, वो आपकी नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर आपके स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को पहले पढ़ें उसके बाद आंसर दें, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पढ़ाता है, जबकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग स्किप बिल्कुल भी ना किया करें वीडियो को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सिंग
superintendent in the hospital are all except job responsibilities of nursing superintendent in the hospital are all except नर्सिंग अधीक्षक की अस्पताल के कार्य अर्थात दायित्व में इनमें से किस एक को छोड़कर सभी शामिल हैं, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। आरपीएससी स्टॉप नर्स एग्जाम 2010 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज नीतियों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, ठीक है ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि नर्सिंग अधीक्षक का कार्य अस्पताल में नर्सों के लिए नीतियों का क्रियान्वयन करना, उनके लिए संगठनात्मक चार्ट तैयार करना तथा समय समय पर अस्पताल में भर्ती रोगियों को देखने के लिए राउंड करना, जबकि नीति का निर्माण काउंसिल की जिम्मेदारी होती है, जबकि जो नीति का निर्माण है वो काउंसिल की क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अर्थात जिम्मेदारी होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर किस करें। देखिए वही क्वेश्चन है अभी आपने पढ़ा है क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा बस घुमा फिरा इधर उधर कर दिया जाता है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन डेली नया नहीं बनता है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, बट अगर किसी थंबनेल पर अगर हम किसी में लिख देते हैं कि फॉर यूपी पीएससी स्टॉप नर्स, तो उसे केजीएमयू वाले स्टूडेंट नहीं देखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे लिए स्पेशल नर्सिंग तैयार की जाएगी, ठीक है अलग से नर्सिंग के क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, ठीक है। नर्सिंग का जो एक क्राइटेरिया है वो एक सीमित क्राइटेरिया है, जितना क्योंकि नर्सिंग एक क्षेत्र जो है वो उसी को बार बार दोहराते रहते हैं, बार बार कोई जीके तो है नहीं कि रोज़ नए नए क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर में रोज़ नए नए क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है हाँ बनते हैं इसमें क्वेश्चन, लेकिन इतना ज़्यादा न्यू क्वेश्चन नहीं रखते हैं, ठीक है इतनी जल्दी इसमें डेली रिसर्चेज नहीं होती है कि कोई नया क्वेश्चन डेली बन गया, ठीक है तो इसमें वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, बट आप लोगों को समझना है, ठीक है कि नर्सिंग का कोई भी वीडियो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप नर्सिंग के सभी क्वेश्चन को किसी भी क्या ऐसा नहीं है कि उसमें लिख दिया गया है कि केजीएमयू स्पेशल, ठीक है या स्पेशल फॉर केजीएमयू या स्पेशल फॉर एनवीएस या फिर कुछ भी लिख दें सीएचओ लिख दें या एम्स लिख दें, बट क्वेश्चन वही रहते हैं, ठीक है बस थोड़ा सा उनका पूछने का जो लेबल है वो थोड़ा हाई और लो कर दिया जाता है, ठीक है क्वेश्चन बड़े और छोटे थोड़े थोड़े, जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन एएनएम का है तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन रखा जाता है, ठीक है अगर आप स्टाफ नर्स का है तो अगर ज़्यादा बड़े लेवल पे जैसे कि स्टाफ नर्स है तो स्टाफ नर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है वो एक एवरेज क्वेश्चन होंगे, ठीक है क्योंकि आपकी जो आप पीसीएस बनने जा रहे हैं, ठीक है स्टाफ नर्स बनेंगे पीसीएस से, ठीक है तो आप अधिकारी बनने जा रहे हैं इसमें, इस वजह से इसमें क्वेश्चन एवरेज रहेंगे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन इसी लेवल के रखेंगे, ठीक है सभी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं रखेंगे, 70% क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं, जो 30% क्वेश्चन होते हैं जो 70% क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन रखते हैं जो सबको आ जाएं, बस जो 30% क्वेश्चन रखे जाते हैं ये क्वेश्चन टफ होते हैं, आपको इसकी 30% की तैयारी करनी है, ठीक है ना कि इसके पीछे भागना है, ये तो आप डेली पढ़ते हैं डेली तैयारी करते हैं बट आपको लेकिन रिवीजन नहीं बंद करना है, आपको इसका इस जो 70% है इसका रिवीजन बराबर करते रहना है, और जो ये न्यू सिलेबस है आपका जो नए क्वेश्चन आपने जो कभी नहीं पढ़ा है आपको नया लगता है कि ऐसे क्वेश्चन यार नए ये कहाँ से पूछ लिया गया कि तो मुझे पढ़ा ही नहीं कभी, ठीक है आपकी इसकी तैयारी करना है, जो इन 30% क्वेश्चन पे कर गया 10-12% वही पास हो जाता है, तो आपको इस 70% के साथ साथ इस 30% को भी आपको ध्यान में रखना है, और आपको बहुत ही ज़्यादा रिवीजन करना है, बार बार आपको रिवाइज करनी है, कोई भी वीडियो या आप नोट्स बनाए रखे हैं कुछ भी हैं तो उसको आप बार बार रिवाइज करें प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं कि आप एक वीडियो एक बार देख लिया तो वो रिवाइज हो गया, ठीक है उसकी प्रैक्टिस हो गई, आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है टाइम मत बर्बाद करें, ठीक है अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा, इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है
और फालतू चीज़ों में बिल्कुल भी टाइम मत दें। पहले आप अपना करियर सेट करें, उसके बाद कुछ भी करें वो आपकी लाइफ है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, राज्य नर्सिंग काउंसिल का इनमें से कौन सा उत्तरदायित्व नहीं है, बताएं जल्दी से, गेस करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट नर्सिंग काउंसिल, राज्य नर्सिंग काउंसिल के इनमें से कौन सा उत्तरदायित्व नहीं है या कौन सी उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आई एन सी, बताएं क्या होगा, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ INC स्टैंडर्ड ऑफ पेशेंट केयर, रोगी की देखभाल से जुड़े INC मानक का क्रियान्वयन, ठीक है, यही आपका ऑप्शन सी जो यही आपका राइट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है, राज्य नर्सिंग काउंसिल का इनमें से कौन सा उत्तरदायित्व नहीं है, तो ये जिम्मेदारी राज्य नर्सिंग काउंसिल की नहीं है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, बाकी सभी जो जिम्मेदारी है वो राज्य नर्सिंग काउंसिल की हैं। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें, राज्य नर्सिंग काउंसिल की स्थापना परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई है, जिसका कार्य नर्सिंग कार्यों के उद्देश्यों का सूत्रीकरण, नर्सिंग स्टाफ के कार्यों के वितरण की रूपरेखा तैयार करना तथा नर्सिंग कर्मचारियों का स्थानांतरण करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं, द कंपोनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज, गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज, प्रशासनिक घटक होता है, RPSC स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें आप, सर आपकी स्क्रीन पर हैं, कंपोनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज, तो जल्दी से बताएं कौन कौन से प्रशासनिक घटक है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है ये भी प्रशासनिक घटक है, बजट ये भी प्रशासनिक घटक है, इवोल्यूशन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट का मूल्यांकन करना ये भी प्रशासनिक घटक है, तो यहाँ पे देखिए आल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं, किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन को प्रशासन कहा जाता है, किसी क्षेत्र में रीजन में जो विशिष्ट शासन है उसी को प्रशासन कहा जाता है, प्रशासन प्रबंधन से लोक प्रशासन, सैन्य प्रशासन तथा व्यवसाय प्रशासन का बोध होता है, लोक प्रशासन जनता के लिए, सैन्य प्रशासन सेना के लिए, सभी को पता होना चाहिए जो लोक प्रशासन है वो जनता के लिए है, ठीक है, और सैन्य प्रशासन सेना के लिए, और व्यवसाय प्रशासन व्यवसाय से संबंधित है, व्यवसाय से संबंधित क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होता है अर्थात रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, संगठन बजट तथा रिपोर्ट का मूल्यांकन इसका मुख्य घटक होता है, क्या होता है इसका प्रमुख घटक होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ लीडरशिप इन नर्सिंग इज, गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ लीडरशिप इन नर्सिंग, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं, नर्सिंग में सबसे उचित प्रकार की लीडरशिप होती है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ लीडरशिप इन नर्सिंग इज, तो देखिए RRB स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है, डेमोक्रेटिक, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है आपका। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें, नर्सिंग में सबसे उचित प्रकार की जो लीडरशिप होती है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है, नर्सिंग में सबसे उचित प्रकार की जो लीडरशिप है वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है। तो यही पे हमारा वीडियो समाप्त होता है, क्योंकि 13 क्वेश्चन ही थे इसमें आज की क्लास में। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।